यार गाइस, आप लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, मुझे ज़ॉम्बीज वाले डॉग ने काट लिया था। उसके बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ, और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि मैं ज़ॉम्बी बन रहा हूँ, लेकिन नहीं, मुझे ज़ॉम्बी नहीं बनना। हाँ गाइस, मैं फ्रैंगल भैया और चौप से दूर भाग के आ गया हूँ, ना मैं घर गया ना फ्रैंगल भैया के पास, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं एक बार ज़ॉम्बी बन गया तो समझो पूरे लॉस सेंटोस में ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज होंगे, क्योंकि मैं काट लूंगा गलती से फ्रैंगल भैया को, फ्रैंगल भैया चॉप को, ऐसे एक दूसरे को काट लेंगे तो लॉस सेंटोस को बचाएगा कौन? कोई भी नहीं ना। इसीलिए ओए ज़ॉम्बीज, तुम सबके चक्कर में मुझे लगता है मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, और इसी डर से मैं कबाड़ी की दुकान में आ गया हूँ और यहाँ पे छुपा हुआ हूँ। और हाँ गाइस, आप लोग फ्रैंकल भैया को कमेंट करके लिख मत देना कि मैं कबाड़ी की दुकान में हूँ, ऐसे तो फ्रैंकल भैया पढ़ लेंगे कमेंट और पक्का मेरे पास आ जाएंगे, इसलिए आप लोग लिख मत देना। और यार देखो, हर तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज हैं, लगता है लॉस सैंटोस खत्म होने वाला है, लेकिन नहीं, लास्ट उम्मीद हमारे फ्रैंकल भैया हैं, मुझे लगता है पक्का वो लॉस सैंटोस को जरूर बचाएंगे। और यार ये क्या हो रहा है, लगता है मैं ज़ॉम्बी बन रहा हूँ। नहीं 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 गाइस, मुझे ज़ॉम्बी बनना नहीं है यार, आराम से। और गाइस, आप लोग चाहते हो कि मैं ज़ॉम्बी ना बनूं, तो आप लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि मैं ज़ॉम्बी ना बनूं। और यार काश मैं ज़ॉम्बी ना बनूं, मैं तो यही चाहता हूं। चल सिंचन चल, तुझे ज़ॉम्बी नहीं बनना। वैसे गाइस, सिंचन को मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, और हाँ आप लोग को तो पता होगा सिंचन को ज़ॉम्बीज वाले डॉग ने काट लिया था, और हाँ वो डर के मारे भाग गया है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ज़ॉम्बी बन जाएगा तो वो मुझे काट लेगा, चॉप को काट लेगा, और ऐसे ज़ॉम्बीज को ख़त्म कौन करेगा। इसीलिए गाइस सिंचन कहीं चुप गया है, मैं उसको पूरे लॉस एंजेलिस में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मिला नहीं। हाँ मैंने ये वाली बिल्डिंग भी देख ली, और यहाँ पे सिंचन है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, चॉप तुझे सिंचन की खुशबू आ रही है क्या? नहीं यार, इधर तो नहीं है। डॉग आ गया गाइस और अचानक से अटैक कर दिया। सही वाह, वो तो मैं बच गया। चॉप देखा, ये डॉग्स कितने ज्यादा खतरनाक है, और इन्हीं डॉग्स के कारण मेरा सिंचन आज ज़ॉम्बी बनने वाला है यार। अरे ऐसा मत बोलो फ्रैंकल भैया, क्या पता वो ज़ॉम्बी ना बना हो, क्या सिर्फ उसको खरोचे लगी हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अबे देख, वो ज़ॉम्बी ना बना होता ना तो अब तक तो वो घर आ चुका होता, लेकिन देख ना वो घर आया, ना आर्मी बेस कैंप गया, ना हमारे बेस कैंप गया। लिटरली गाइस सिंचन का कोई अता पता है ही नहीं, इसीलिए मुझे लगता है कि सिंचन धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा है। और हाँ गाइस, आप लोग को पता है कि सिंचन कहाँ पर है तो मुझे बता देना, पक्का मैं सिंचन को रेस्क्यू कर लूंगा और उसको नॉर्मल बना दूंगा। खाएंगे, भूख लग रही है। अरे फ्रैंकल भैया, फिलहाल हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये तो बताओ। एक काम करते हैं, हम लोग ना बहुत देर से कार से ढूंढ रहे हैं, हम लोग फटाफट जाते हैं अपने घर, और वहां जाके हमारे घर में जो हेलीकॉप्टर रखा है उस हेलीकॉप्टर से सिंचन को हवा से ढूंढते हैं। हाँ फ्रैंकल भैया बिल्कुल सही बोला, हेलीकॉप्टर इसके लिए बेस्ट है, इससे हमें लॉस सैंटोस के ऊपर का व्यू दिखेगा, तो क्या पता सिंचन भी दिख जाए यार। हाँ हाँ, और वैसे भी गाइस सिंचन ना पता नहीं कहाँ जाके छुपा है, जो भी हो अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं। और हम लोग पहुँच चुके हैं घर। लिटरली गाइस यहाँ पे भी ना ज़ॉम्बीज। अबे चॉप, तुझे क्या हो गया, नीचे क्यों गिर गया तू? अरे यार वो गाड़ी के झटके से, दो मिनट मैं गाड़ी के अंदर ही बैठ जाता हूँ यार। ओके गाइस, अभी गाड़ी का झटका लगा और चॉप नीचे गिर गया, जो भी हो आस पास में कोई ज़ॉम्बी नहीं था, वरना चॉप तो अभी ज़ॉम्बी बन जाता, सिंचन के साथ साथ चॉप भी। फिर तो मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, एक तरफ सिंचन को ढूंढो फिर चॉप को संभालो। ना बाबा ना, मेरे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है यार। अरे कोई बात नहीं फ्रैंकल भैया, मैं ज़ॉम्बी नहीं बनूंगा, मैं आपका साथ पूरा दूंगा, टेंशन मत लो यार। हाँ यार, वैसे भी सिंचन तो है नहीं अभी, तो ये मेरे साथ। चलो फिलहाल तो मैं पहुंच चुका हूँ घर, चौप फटाफट आ जा वरना ज़ॉम्बी अटैक कर देंगे तेरे ऊपर, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ, दो मिनट आया। गाइस यार सही में ये ज़ॉम्बी तो बड़ी खतरनाक चीज है। उड़ी बाबा, फ्रैंकलिन आया है लगता है। फ्रैंकलिन बाबा, सिंचन का कुछ पता चला क्या? अरे कुछ भी नहीं, आप लोग को पता चला कि सिंचन यहाँ पे आया है? हाँ, सिंचन तो नहीं आया बाबा, और हाँ मैंने अपनी आर्मी फोर्स को भेजा था अगल बगल देखने के लिए, लेकिन ज़ॉम्बीज के अलावा कोई सिंचन नहीं दिखा उन्हें। हाँ, बिना सिंचन को ढूंढे फ्रैंकलिन
तुम घर में क्या करने आए हो? अरे यार, मैं घर में रहने नहीं आया, मैं घर में हेलीकॉप्टर लेने आया हूँ, जिससे मैं सिंचैन को जल्द से जल्द ढूंढ सकूँ यार। उड़ी बाबा, जिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ मैंने भी उनको कह रखा है और सिंचैन की फोटो दे रखी है, अगर उनको सिंचैन दिखे तो वो लोग कॉल करके मुझे जरूर बताएंगे बाबा। हाँ हाँ, आप लोग यहाँ से ढूंढो और मैं और चौप बाहर जाकर ढूंढते हैं। चलो, कुछ पता चले तो बता देना मेरे को। हाँ ठीक है ठीक है, आर्मी भी पूरी कोशिश कर रही है उस छोटे से बच्चे को ढूंढने में, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गया है। हाँ गाइस, सिंचैन बहुत ज़्यादा चलाक है और मुझे पता है वो कहीं ऐसी जगह गया होगा जहाँ वो छुप सके, वो भी बहुत ज़्यादा आराम से यार। अरे यार, ऐसी कौन सी जगह है गाइजर? सच में सिंचैन ऐसी ऐसी जगह छुपा होगा ना जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। अगर आपको पता है कि हमारा सिंचैन कहाँ पे है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दो, ताकि हम लोग उसको पकड़ें और ठीक करवाएं यार। और हाँ चौप, मुझे पता है सिंचैन बहुत ज़्यादा चलाक है, और गाइज मुझे ये भी पता है वो कहीं ऐसी जगह गया होगा जहाँ पे कोई जाने की सोच भी नहीं सकता, इसीलिए वो हमसे अभी तक छुपा हुआ है। अब मुझे ये पता नहीं चल रहा वो गया तो गया कहाँ, जहाँ पे कोई नहीं जाता हो। सिंचैन की तरह सोचना पड़ेगा हम लोग को अब। अरे यार, सिंचैन जैसा दिमाग होता तो हम यहाँ थोड़ी होते। गाइजर सोचने दो कहाँ गया होगा। फ्रैंकन भैया, यार मेरा तो माइंड ही काम नहीं कर रहा। वेट, वो लॉस एंड टॉस के अम्यूजमेंट पार्क में तो नहीं गया, क्योंकि वो बंद भी है और हाँ वो बहुत बड़ी जगह भी है और वहाँ पे छुपने लायक जगह बहुत ज्यादा है। क्या बोलता है चौप, हमें वहाँ जाना चाहिए क्या? अरे हाँ यार, जाना तो चाहिए गाइस, जैसी जगह हमें लगे उसी जगह में जाना चाहिए, क्योंकि यार ये टाइम है सिंचैन को बचाने का, ना कि सिंचैन को गंवाने का यार। हाँ हाँ, और हाँ जब तक हम लोग फ्लाई कर रहे हैं ना, तो तू रोड में देखता रहियो और तुझे सिंचैन दिख जाए तो बता दियो। गाइस एक काम करता हूँ और थोड़ा नीचे चलता हूँ, और हाँ पास जाके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि सिंचैन है या कोई दूसरा ज़ॉम्बी है। सिंचैन, हम तुझे ढूंढ रहे हैं, तू हमारी बात सुन रहा है तो आजा भाई। अरे यार सिंचैन, तू टेंशन मत ले, तू ज़ॉम्बी नहीं बनेगा, हम तेरे साथ हैं यार। वैसे गाइस अभी ना हम लोग उड़ते उड़ते बीच के बगल में पहुंच गए, और आप लोग देख सकते हो यहाँ से ज़ॉम्बीज तो नजर भी नहीं आ रहे, लेकिन सिंचैन कैसे नजर आएगा, हमें ना लैंड तो करना ही पड़ेगा। चौप, तू तैयार है नीचे उतरने के लिए? नहीं नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं हेलीकॉप्टर के अंदर रहूंगा, क्योंकि गाइस आप सभी को पता ही है ज़ॉम्बी की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, और यार फ्रैंकन भैया, ना तो मुझे गन चलानी आती है, ना मैं अकेले लड़ पाऊंगा इतने लोगों से यार। हाँ यार, ये भी है, और देखो यहाँ मैं नीचे उतरा नहीं और एक ज़ॉम्बी पहले आ गया। चौप, दरवाजा अंदर से बंद कर लियो, अब मैं बताता हूँ इन लोगों को कि मैं कौन हूँ। कोई है, खाओ इसे, भोग, आ जाओ। अरे फ्रैंकन भैया, आप अपना ध्यान रखना और पूरे अम्यूजमेंट पार्क में ढूंढो, और यार लेकिन सिंचैन की खुशबू तो इधर भी नहीं आई। अबे यार, तू अंदर है इसीलिए तुझे नहीं आ रही होगी। एक काम करता हूँ, मैं फटाफट उधर जाता हूँ और वहाँ पे जाके देखता हूँ सिंचैन कहीं उधर तो नहीं छुपा। सिंचैन, तुझे मेरी आवाज आ रही है तो आजा यार, मैं तुझे बचा लूंगा। लिटरली गाइस, आस पास में ज़ॉम्बीज के अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा, कोई है यहाँ पर? पकड़ा खाना यार, ये लोग तो मेरे पीछे पड़ गए हैं खाना बोलकर। लेकिन वेट, मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ी ऊंचाई में चला जाता हूँ, वैसे भी इन लोगों को तो चढ़ना आता नहीं है। आ जाओ, अब मुझे नहीं खा पाओगे। चलो गाइस, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे आ गया हूँ, एक काम करता हूँ और ऊपर जाता हूँ और यहाँ से देखता हूँ सिंचैन मुझे नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है यार। दूर दूर तक देख रहा हूँ गाइस, तो ज़ॉम्बीज के अलावा कोई भी नहीं है। एक काम करता हूँ, स्कोप चालू करता हूँ और देखता हूँ कि सिंचैन आस पास में कहीं घूम तो नहीं रहा। सिंचैन, तुझे मेरी आवाज आ रही है? देखो वहां भी नहीं है। और हाँ गाइस, आप लोग चाहते हो कि मैं सिंचैन को बचा लूं, तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, और हाँ लिख देना सेव द सिंचैन, पक्का मैं उसको बचा लूंगा। और हाँ, आप लोग तो देख ही रहे हो कितनी ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ सिंचैन को बचाने की, लेकिन गाइस वो मिले तब ना सिंचैन। आई थिंक गाइस वो आस पास में तो नहीं है, वो मेरी आवाज सुनता ना तो पक्का भागे भागे आ जाता, और चौप को उसकी स्मेल आ जाती,
लेकिन नहीं गाइस, वो यहाँ पे नहीं है। चलो अब यहाँ से निकलते हैं और फटाफट से कहीं और ढूंढते हैं यार। फ्रैंकन भैया, अरे फ्रैंकन भैया दिखा क्या सिंचन? अरे नहीं चौप, नहीं दिखा। ये ज़ॉम्बीज के बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं नीचे आने का। जैसे ही मैं नीचे आऊंगा वैसे ही मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन नहीं गाइस, मैं लोग से फाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये लोग के पास ना दिमाग नहीं है, बस इन लोग को भूख लगी है और ये लोग खाना खाना चाहते हैं। लेकिन मैं तो भागना चाहता हूँ। चलो चलो भागो भागो भागो, वरना ये मेरे पीछे पड़ गए हैं यार। फ्रैंकलिन भैया फटाफट हेलीकॉप्टर तक पहुँचो यार। एक मिनट चौप, मैंने सेंचैन को उस साइड नहीं ढूंढा, एक बार उधर भी देख के आता हूँ। जब तक इन लोग को मैं बेहोश करता हूँ। आ जाओ सेंचैन। नहीं नहीं नहीं, यहाँ भी नहीं है। अबे यार करूँ तो करूँ क्या मैं अब? एक आदमी उधर गया है, डॉग हमला कर रहा है। लिटरली गाइस, सिंचन को भी ना इन डॉग्स ने काटा था, और लिटरली ये बहुत तेज भागते भी हैं, इसीलिए सिंचन को काट लिया होगा यार। सिंचन इधर भी नहीं है। सिंचन, अबे यार सिंचन गया तो गया कहाँ? लिटरली गाइस, ना सिंचन दिख रहा है ना कोई और ज़ॉम्बी। ज्यादातर ये डॉग्स वाले ज़ॉम्बी हैं जो पीछे पड़ जाते हैं, और लिटरली ये बहुत तेज भागते हैं। आने दो इनको, मैं अब छोड़ूंगा नहीं। आ जाओ, अब मैं तुम्हें बेहोश करके ही रहूंगा यार। फिलहाल गाइस मुझे ना यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि सिंचन है नहीं और मेरा यहाँ पर रहकर टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो अभी इसको मैंने थोड़ी देर पहले बेहोश किया था, वापस जग के मेरे पीछे आ रहा है। अरे यार करूँ तो करूँ क्या? चल यहाँ से निकलना ही पड़ेगा फ्रैंकलिन, अब तेरे को। अरे यार फटाफट आओ फ्रैंकलिन भैया, ये ज़ॉम्बीज है कि क्या है? ऐसा लग रहा है फ्रैंकलिन भैया जैसे ज़ॉम्बीज की बारिश हो रही है यार। अबे वही तो मैं सोच रहा हूँ। चलो गाइस फटाक से घुसता हूँ, और गाइस बच गया, वरना अभी इस डॉगी ने मुझे काट लिया था। आ जाओ, अब क्या हुआ, आ नहीं पाओगे क्या अंदर? फ्रैंकलिन भैया ऐसे मत बोलो, अगर उनको हिंदी आती ना तो पक्का घुस जाते हमारे हेलीकॉप्टर के अंदर। अबे नहीं, उन्हें चढ़ना तो आता ही नहीं, ना कहीं वो जा सकते हैं। बस चलते रहेंगे, देखते रहेंगे, और हाँ खाते रहेंगे। सिंचन को देखता रहियो, ठीक है ना चौप? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, आप टेंशन मत लो, मैं देखता रह रहा हूँ। सिंचन नहीं है, मैं तो स्कोप लगा के देख रहा हूँ, तब भी नहीं दिख रहा यार। हाँ, मुझे भी नहीं दिख रहा। गाइस आज कुछ भी हो जाए सिंचन को ढूंढ के ही घर जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। देख चौप, कहीं तो होगा सिंचन। सिंचन कहाँ है भाई? अरे दिख जा। फ्रैंकलिन भैया मैं एकदम ध्यान से देख रहा हूँ, मुझे नहीं दिख रहा यार। और हाँ बिल्डिंग्स के ऊपर भी देखता रहियो, क्या पता सिंचन किसी बिल्डिंग के ऊपर हो। सिंचन तो यहीं पर है क्या? फ्रैंकलिन भैया बिल्डिंग के ऊपर तो पक्का सिंचन नहीं जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर भी तो ज़ॉम्बीज हो सकते हैं ना। हाँ, लेकिन वो खुद भी तो एक ज़ॉम्बी बनने वाला है। वैसे गाइस सिंचन को ढूंढते हम लोगों ने आधा लॉस एंजेलोस तो छान दिया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। सिंचन हाँ नदी के साइड देखता रहियो, क्या पता वो उस साइड हो यार। हाँ ये सही बोला आपने, 2 मिनट और मैं इन घरों के साइड भी देख रहा हूँ। सिंचन फ्रैंकलिन भैया ध्यान से देखो, क्या पता वो इधर ही कहीं हो। सिंचन भाई तू कहाँ है? देखियो हम तुझे ढूंढ लेंगे। हाँ गाइस उसको ढूंढ तो जरूर लेंगे। सिंचन चलो अब उस साइड चलते हैं और वहाँ जाकर। फ्रैंकलिन भैया सिंचन दिख गया, वो सिंचन यही है। कहाँ पर? वेट गाइस, वो छत के ऊपर शायद वो सिंचन है। चौप चिल्लाइयो मत, क्या पता सिंचन हमारी आवाज सुन के भाग जाए। अभी आराम से हम लोग ना गाइस लैंड करते हैं और उसको पकड़ते हैं। चौप आराम से रहियो, ठीक है ना? अरे ये कौन? ये तो हेलीकॉप्टर है। अरे भाई साहब आप कौन हो? गाइस सिंचन ने देख लिया है, और हाँ वो पूछ भी रहा है, लेकिन जैसे उसने मुझे देखा मुझे पता है वो हमें छोड़ के भाग जाएगा। चलो वो मुझे ना देख पाए। और वेट, ये यार ज़ॉम्बीज मेरा पीछा कब छोड़ोगे? अरे ये तो फ्रैंकलिन भैया है। अरे मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा फ्रैंकलिन भैया, मेरे से दूर हो जाओ यार। अबे सिंचन रुक जा, बहुत मुश्किल से तो मिला है और तू भाग मत। अरे सिंचन सुन, तू ज़ॉम्बी नहीं बनेगा, अरे हम तुझे बचा लेंगे। अबे यार रुक जा ना। अरे भाग चूहे की स्पीड में भाग सिंचन। अरे यार फ्रैंकलिन भैया आप जाओ यहाँ से, आपको ज़ॉम्बीज काट लेंगे बिल्कुल मेरी तरह यार। अबे यार ज़ॉम्बीज तो सही में पीछे पड़ गए, और सिंचन देखो भाग जा रहा है। सिंचन मेरी बात मान, मैं तुझे ठीक करवा दूंगा, मेरी बात मान, फटाफट मेरे पास आ जा। और एक तो ये ज़ॉम्बीज मेरे पीछे पड़ गए हैं,
सिंचन बचा यार। अरे मैं कैसे बचाऊं? अरे आप ये भूल गए क्या, मैं खुद एक जोम्बी हूँ और मैंने आपको काट लिया तो आप भी जोम्बी बन जाओगे यार। अबे सिंचन तूने कुछ ध्यान नहीं दिया क्या, तू खुद जोम्बी बन जाता तो मुझे अब तक काट रहा होता। लेकिन देख तू जोम्बी बनने के बाद भी कंट्रोल में, इसीलिए बोल रहा हूँ मेरे साथ चल और मेरी मदद कर यार, ये जोम्बी मुझे छोड़ नहीं रहे यार। अरे हाँ ये बात भी आपने सही बोली यार, मैं आपको काटा नहीं अभी तक लेकिन भूख लगी है। अबे सिंचन थोड़ा आराम से वरना मैं तो डर जाऊंगा। और हाँ इन जोम्बी को मारने में मदद कर वरना मुझे भी काट देंगे और मैं भी जोम्बी बन जाऊंगा। सिंचन मदद कर फटाक से। अरे हाँ हाँ ओए जोम्बीज के बच्चे, अब मुझे कितना भी काटो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गाइस मैं आप सभी को बता दूं, बेशक मैं जोम्बी बन गया लेकिन फैंगन भैया को जोम्बी नहीं बनने दूंगा। फैंगन भैया अब मैं आपकी रक्षा करूंगा। है यार तू मेरी रक्षा करेगा या मुझे काटेगा ये सब छोड़, लेकिन हाँ मेरे साथ चल। और हाँ यहाँ पे एक कार है फटाफट बैठ। अबे यहाँ पे अभी जोम्बी पकड़ा, अबे गाड़ी में बैठ कर पकड़ा। भूख लग रही है और इनके साथ हमारा जोम्बी बैठ गया, उसको भी पकड़ो, वो धोखेबाज है, वो खाएगा अकेले अकेले उसको। ए तुम लोग भागो और शांत रहो, फैंग भी है मैं आपको खाऊंगा भी नहीं, खाने की तो छोड़ो मैं आपको टच भी नहीं करूंगा। ये जोम्बी तो बहुत उल्टे दिमाग के है, मेरा दिमाग तो अभी तक चल रहा है यार। हाँ हाँ मुझे पता है थोड़े मोड़े असर है तेरे अंदर, लेकिन हाँ तू बहुत ज्यादा कंट्रोल में। और लिटरली गाइस सिंचन ना बहुत ज्यादा दिमाग चला रहा है। सिंचन मुझे लगता है वो जोम्बी वायरस तेरे पे पूरी तरह असर नहीं कर रहा। और हाँ गाइस आप लोग ने देखा कि मैंने सिंचन को बचा लिया है, इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। सिंचन फटाफट हेलीकॉप्टर में बैठ और हम तुझे लेके जाएंगे ह्यूमन रिसर्च लैब, और वहां पे जाने के बाद साइंटिस्ट को दिखाएंगे। जैन कैसा है तू? अरे यार मेरी हालत तो सही नहीं है, मुझे जोम्बीज ने काटा है तब भी मैं पूरी तरह जोम्बी नहीं बना हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है सिंचन, वरना तू भी अभी रोडों में घूम रहा होता। अरे वो तो सही बोला चप, पर मैं क्या करूँ, मुझे अचानक से भूख लगने लगती है और मैं किसी को देखता हूँ मन करता है उसको काट लूँ। और हाँ मेरा माथा भी घूमता है लेकिन ये हमेशा नहीं होता, जैसे अभी मैं अच्छा हूँ और थोड़ी देर बाद। और यार क्या हो रहा है सिंचन तुझे? अरे नहीं बता रहा हूँ, मेरे को ऐसे ही लगता है यार। ओ अच्छा अभी तो मैं डर ही गया था। ठीक है सिंचन अभी शांति से बैठा रहे, और हाँ हम तुझे लेके जा रहे हैं ह्यूमन रिसर्च लैब, और वहाँ पे जाके साइंटिस्ट तुझे देखेंगे और ये देखेंगे कि तू अभी तक जोम्बिस क्यों नहीं बना, क्योंकि तुझे जोम्बिस वाले डॉगी ने काट दिया था और तू जोम्बी अभी तक नहीं बना, मतलब वायरस तेरे ऊपर असर नहीं कर रहा। चलो गाइस अभी मैं फटाफट चलता हूँ और यहाँ से निकल के सीधा पहुँचता हूँ ह्यूमन रिसर्च लैब में यार। गाइस यार सही में फ्रैंक भैया देखो मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ जब से मुझे जोम्बी वाला दौरा आया ही नहीं यार। अच्छा मतलब गाइस सिंचन थोड़ा स्पेशल है, मतलब सिंचन के ऊपर वायरस का कोई असर नहीं है। अबे मुझे मत डरा वरना तो मैं चलती हुई फ्लाइट से कूद जाऊंगा, और चौप तू भी कूद जाइयो क्योंकि सिंचन का कोई भरोसा नहीं है। सिंचन भाई आराम से बैठा रहे, हमें डरा मत ठीक है ना? अरे यार अभी मुझे लगा अचानक से, लेकिन वापस जैसे ही आपने बोला मैं नॉर्मल हो गया। अच्छा फिर ठीक है, मतलब गाइस मुझे सिंचन से भी ना थोड़ा बच के रहना पड़ेगा क्योंकि कभी भी इसका दिमाग घुमा और इसने मुझे काट लिया फिर तो मैं भी जोम्बी और चौप भी जोम्बी। नहीं अभी सिंचन को बचाना है उसके बाद कुछ करना है। सिंचन मेरे पीछे पीछे आइयो, और हाँ मेरे बिल्कुल पास मत आइयो, क्या पता तूने मुझे काट दिया तो मैं जोम्बी बन जाऊंगा फिर मैं तुझे ठीक नहीं करा पाऊंगा यार। अरे हाँ मुझे पता है फ्रैंक भैया। अरे फ्रैंक भैया को काटेगा ये ले, और गाइस आप सभी को तो पता ही है मैं खुद ही जोम्बी हूँ, ये डॉग मुझे जितना भी काटे मुझे ना दर्द होता है ना कोई फर्क पड़ता है। फ्रैंक भैया अब आप टेंशन ना लो, चुप तू भी आ जाए। नहीं तो आप दोनों जाओ, मैं क्या करूंगा अंदर आके, वैसे भी मैं हेलीकॉप्टर का अच्छे से ध्यान रखता हूँ यार। हाँ चुप तू अंदर रह, और चलो गाइस अभी मैं और सिंचन अंदर जा रहे हैं। सिंचन फटाफट अंदर आ जा, और हाँ मेरे से थोड़ा दूर रहियो ठीक है ना? अरे आप टेंशन मत लो यार, बोला तो मैं इतने पास नहीं आऊंगा ना आपको काटूंगा। अरे लाइट जला लो अंधेरा है। जला रहा हूँ रुक जा। और गाइस मैंने डोर को भी लॉक कर दिया है, और सिंचन उधर मत जा मेरे पीछे पीछे आ। और हाँ तूने मेरे ऊपर अटैक किया तो सोच ले मैं तेरे ऊपर फायरिंग कर दूंगा और तुझे बेहोश कर दूंगा यार। अरे नहीं करूंगा बोला तो,
गाइजर सही में फ्रैंकल भैया तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं असली का ज़ॉम्बी बन गया हूँ। मैं ज़ॉम्बी नहीं बना हूँ फ्रैंकल भैया। अबे हाँ हाँ, लेकिन मुझे डर तो लग ही रहा है। डॉक्टर, सॉरी डॉक्टर यहाँ नहीं होते, वो तो हॉस्पिटल में होते हैं, यहाँ तो होंगे साइंटिस्ट। चलो आजा सिंचैन, आराम से आजा। हाँ गाइज, आप लोग देख सकते हो सिंचैन का चलने का स्टाइल भी चेंज हो रहा है। अरे यार, मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, सिंचैन को मैं बचा के रहूंगा यार। आजा सिंचैन, आराम से आजा, जब तक मैं साइंटिस्ट को ढूंढता हूँ। साइंटिस्ट कहाँ गए यार? एक तो ये लोग भी मेरी बात नहीं सुनते, और सिंचैन आराम से आ, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना अंदर? अरे नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, बस मैंने बोला था ना, थोड़ा सर घूमता है और थोड़ा सा भूख लगता है, लेकिन अभी तो सब कुछ ठीक है। बस आपको, मुझे पता है ये देख के डर रहे हो ना कि मैं अजीब सा चल रहा हूँ इसीलिए। हाँ, और तू अजीब सा बोलता भी है, जिससे मैं काफी ज्यादा डर जा रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे हाथ में गन है, तूने थोड़ा भी अगर उधर उधर किया तो पक्का मैं तुझे बेहोश कर दूंगा, उसके बाद लेके जाऊंगा साइंटिस्ट के पास और तेरे ऊपर इलाज करवाऊंगा। साइंटिस्ट कहाँ गए यार ये लोग? अरे वो अपने लैब में होंगे। और फ्रैंकल भैया, मुझे तो लगता है आप मुझे पहले बेहोश ही करवा देना, क्योंकि अगर मैं बेहोश नहीं रहूंगा और आपको ना देख के किसी और पे अटैक भी तो कर सकता हूँ। हाँ सिंचैन, तू ज़ॉम्बी है तब भी तू अपना दिमाग चला रहा है, मतलब तू देख धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा है और तू अपना आइडिया भी बता रहा है। लिटरली गाइस, सिंचैन ने सही बोला, सबसे पहले इसको बेहोश कर देंगे, उसके बाद इसके ऊपर इलाज करवाएंगे। आजा फटाक से आजा यार। अरे हाँ, और फ्रैंकल भैया, लास्ट टाइम हमने दो ज़ॉम्बी भी तो दिए थे, उनका क्या हुआ? अबे हाँ यार, मुझे याद ही नहीं था, तुझे तो याद भी है। चलो वो भी जाके पूछ लेंगे कि उसके ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट हुआ और उनका इलाज बना या नहीं बना यार। अरे हाँ, चलो फ्रैंक भैया, आई एम रेडी। चलो गाइज, मुझे शांति से, और यार वो लोग डर ना जाए, आप पहले बोल देना कि ये एक ज़ॉम्बी है, ठीक है? डॉक्टर सॉरी यार, साइंटिस्ट सुनो। अरे हाँ फ्रैंकलिन, बोलो क्या हो गया? अरे मैंने आपको दो ज़ॉम्बीज दिए थे, उनका क्या हुआ? अरे उनका, वो तो डेड थे, और जैसे वो डेड हो गए तो ज़ॉम्बी वायरस का असर उनसे खत्म हो गया, इसलिए हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए। फ्रैंकल भैया सॉरी, साइंटिस्ट इधर देखिए, मैं भी एक ज़ॉम्बी हूँ, चलिए मेरे पे एक्सपेरिमेंट करिए यार। अरे भगाओ इसको, क्या कह रहा है ये? सिंचैन तुम ज़ॉम्बी कैसे बन सकते हो? हाँ डॉक्टर, वो सही में ज़ॉम्बी बन गया है, और हाँ आप लोग देख नहीं सकते वो कैसे झुका हुआ है, लेकिन हाँ वो कंट्रोल में, और वो मेरी बात मान रहा है। अरे ऐसे मत बोलो, हम डर रहे हैं। सिंचैन एक काम करो, तुम बेहोश हो जाओ, डॉक्टर्स इसके अंदर बेहोशी का इंजेक्शन लगाओ, और हम सिंचैन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि अब तक ज़ॉम्बी क्यों नहीं बना, क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस का असर 5-10 मिनट में हो जाता है फ्रैंकलिन। अरे हाँ, लाओ इंजेक्शन लाओ, लेकिन मुझे वायरस से ज्यादा तो इंजेक्शन से डर लग रहा है। अंकल छोटा इंजेक्शन लाना। अरे फ्रैंकलिन इसको पकड़ो तुम, हमें तो डर लग रहा है, और हाँ इंजेक्शन डॉक्टर्स मार देंगे। ठीक है सिंचैन इधर आ, और हाँ यहाँ पे फटाफट से सो जा यार। अबे यार ये कौन सा इंजेक्शन था? गाइस फिलहाल सिंचैन तो सो गया, और हाँ ये रे साइंटिस्ट। अरे हाँ अभी हम देखेंगे कि सिंचैन के अंदर वो वायरस असर क्यों नहीं कर रहा, और तो और वो वायरस अभी तक सिंचैन को ज़ॉम्बी क्यों नहीं बना रहा। हाँ सिंचैन को कुछ भी हो गया तो सोच लेना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा यार, और तो और सभी को ज़ॉम्बीज के पास फेंक के आ जाऊंगा, फिर बन जाओगे तुम सब भी ज़ॉम्बीज। अरे नहीं, हम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे सिंचैन के लिए हम लोग, ठीक है ना फ्रैंकलिन? चलो फिर ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। चलो गाइस, अभी फिलहाल सिंचैन सो रहा है, और हाँ साइंटिस्ट उसके ऊपर टेस्ट करेंगे, और हाँ इन लोगों ने कुछ भी किया तो मैं पूरा ह्यूमन रिसर्च लैब तबाह कर दूंगा, क्योंकि गाइस मैंने पहले भी इन्हें दो दो ज़ॉम्बी दिए थे, लेकिन ये लोग तब भी कुछ नहीं कर पाए, अभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर देखना गाइस मैं क्या ही करता हूँ इन लोग के साथ। चलो जो भी हो, और वेट, चॉप तो बाहर हेलीकॉप्टर के पास है, गाइस उसके ऊपर ज़ॉम्बी ने अटैक ना कर दिया हो फिर वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। चलो फटाफट मुझे बाहर जाना पड़ेगा, और चॉप को भी बचाना पड़ेगा, वरना चॉप सिंचैन
किस किस को मैं बचाऊंगा। वैसे भी मैं अकेला हूँ गाइस, और अकेले इतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर पाऊंगा। चुप, अरे यार उसको भी अंदर लेके आना चाहिए था, जिससे वो भी सेफ रहता। चलो फटाक से बाहर जाता हूँ और चॉप को देखता हूँ कि चॉप कहीं जॉम्बी तो नहीं बन गया। अरे खुल जा गेट, खुल जा यार। यार वैसे भी ये गेट भी बड़ा अजीब है, और हाँ एक भी जॉम्बी नहीं है। चॉप तू अंदर ही है ना, सेफ है ना? अरे हाँ हाँ, सिंचन का क्या हुआ, उसको वहीं छोड़ के आ गए क्या? अरे नहीं, उसको बेहोश कर दिया, और हाँ वो साइंटिस्ट है ना, उसके ऊपर इलाज करेंगे और देखेंगे कि वो जॉम्बी क्यों नहीं बना। क्या पता गाइस हमें जॉम्बी का एंटीडोट उससे ही मिल जाए, या सिंचन स्पेशल है इसीलिए वो नहीं बना। जो भी हो गाइस, आप लोग वीडियो में बन रहे हो तो फटाफट दे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ कमेंट में लिख दो सेव द सिंचन, क्या पता सिंचन नॉर्मल बन जाए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चलो अभी मैं भी आराम कर लेता हूँ यहीं पर। अरे बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं क्या होता है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके लिख दो सेव सिंचन। तो बाय यार, सच्ची में सिंचन के लिए बहुत बुरा लग रहा है आज मेरे को।